मेरे हाथ में है ये टोका और मैं करने वाली हूँ इसको चीमबोटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। सो आप सब मुझे तो जानते होंगे, मैं हूँ आप सबकी इकरा कंवल। और आज मैंने सोचा कि आज मैं प्रॉपर देसी डे सेलिब्रेट करूँगी विद माय मॉम, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि सर्दियाँ और बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। आज का नाश्ता जो मुझे मिला, मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि मुझे पाए और देसी घी का पराठा और साथ में चाटी की लस्सी, ये वो नाश्ता होता है जो मुझे लगता है कि हम बहुत देर से अरसे से छोड़ चुके हैं ये चीज़ें इस्तेमाल करना, और हमारी हड्डियों में कमियाँ पाई जाती हैं, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, फलाना टमकाना। तो आज मैं ये नाश्ता करूँगी। मैंने आपको अपना नाश्ता इसलिए बता दिया, और आज मैं बनवाऊँगी अपनी मम्मा के साथ साग। आप ही ब्लॉग सारा खाओ, सारा मम्मा क्या सारा यार मम्मा, बस एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए ना। मैंने इतनी रोटी खा ली है, आधा पराठा खा लिया, ना 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 सारा खत्म करा। मैंने एक समोसा भी छुपाया हुआ है तो वो खाऊंगी मैं, बस मम्मा प्लीज। नहीं सारा खत्म करना है, ये कैमरा बंद कर दे ताकि मैं आपको कन्विंस कर सकूं। नहीं नहीं मैं तो कैमरे में इसलिए दिखा रही हूँ, किस लिए? ताकि डर के खाओ। वाओ यम्मी #ikrakamal #ikrakamal की मम्मा भी ब्लॉग है, वाओ सो प्राउड। ये है जी हमारी एक अदद जहाँ पे हमारा साग बनना है और कट रहा है। और ये क्या है आंटी? मेथी। मेथी है ते ए साग है। आ साग ते ए तुसी की काट रहे हो? ए मेथी कटी है सी। ए मेथी कटी है अंदर उत्ते कटनी, आज मैं कटांगी तोड़ नाल जाए के, ठीक है। सो नाश्ता मेरा हो गया है, तो मेरे घर जो है ना वो बाहर लगी एक दस्तरखान लगा हुआ है जिसपे जो है वो साग मेथी मुथरे दातू बातू पता नहीं क्या वो सारी चीज़ें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आज ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में साग जो है ना वो किस तरह से बनता है। तो ज़रा साग की चटाई की तरह चलें जी। ये मेरी मामा जो है ना वो हेल्प कर रही हैं साथ में, बल्कि मामा की हेल्प कर रही हैं हमारी बाजी हैं एक, वो शनाज बाजी, और मेरी मम्मी जो है ना वो मुझे भी बना के दे, मैं भी काटूँगी मामा। ये लो काट ये। अच्छा ये ऐसे देंगी? अब इसको क्या करना होगा? इसको छुरी फेरनी है, लाल करना है। लाल करना। अच्छा ये ऊपर से ये क्यों निकालते हैं जो आप काट रही हैं? ये ऊपर ऊपर से ये पका हुआ होता तो ये फिर कड़वा लगता है। छोरी साग काट दी, छोरी नु दे दो। ए मैं छोरी मैनु दे दो, मैं कट दी। ऐसे काटना ऐसे। नहीं नहीं मैं नहीं कटवाती हाथ, अब देखना मैंने आज इसका एक्सपेरिमेंट करना। मम्मा मुझे आता है मैं काट लूंगी, लाए मम्मा दे दे। दिल कर रहा है, छोटे होते बड़ा दिल करता था ऐसे काम करने का, आज फिर कर रहा है। चले दे दे मुझे जी। तो मैं आ गई हूँ मम्मा की जगह, मम्मा आ गई है मेरी जगह। मेरे हाथ में है ये टोका और मैं करने वाली हूँ इसको चीमबोटी। तो मैं बना रही हूँ इस वक्त साग। सही बना रही हूँ, कट्टी आने सारी तिखी है थोड़ी साग, छुरी बड़ी तिखी है, इनू हाथ से नहीं वढ़ना। आए वैसे है काफ़ी तेज है छुरी। हाँ बुझा के रखी, अरे साग खावे पता लगे उंगली साग बना हुआ है। नहीं लेकिन मैं ठीक काट रही हूँ ना। सही है, बस आपको पका रहा है। वो जो कट रहा है उसको उसमें डालो। किस में डालो? बर्तन में। बर्तन में? बर्तन कहाँ पे? ये शिनाज की हेल्प ले लो, ये वाला बर्तन। ओके तो जब आपका ये कट जाए तो फिर आपने उसको बर्तन में भी डालना है, ठीक है जी। जब आप जिंदगी में पहली बार साग काट रहे हो तो फिर आपके साथ यही होता है। अच्छा एक होता था ना मम्मा यार, वो जो ऐसे करके होता था उस पर ऐसे ऐसे काटते थे, मैंने देखा है वो एक गांव में मशीन होती है। दांत। हाँ दांत। हाँ वो मैंने अपनी नानों की तरफ देखा था। वो पता है कि वो ऐसे ऐसे उसको ऐसे वो रखते हैं, ऐसे ऐसे उसकी शक्ल होती है और उसपे ऐसे ऐसे करके काटते जाते हैं, नीचे वो पड़ा रहता है। मशीन भी होती छोटी जी, दत्ता लाई हो। हाँ तो भी चो कटी जाता है। मुझे ऐसे लग रहा है ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन नहीं मजा आ रहा करने में। ऐसे ध्यान करी तू
मेरी ये शहनाज आंटी को ना मेरी सिर्फ हाथ की टेंशन पड़ी हुई, आंटी मैं नहीं काटती, मेरा अपना हाथ बहुत प्यारा है, मैंने इसी हाथ से आगे व्लॉग्स बना दी व्लॉग्स। तो ये है मेरे पास जो कटा हुआ चका चक ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ना मोटे वाले बड़े वाले, ये मैंने काटे हैं। हालांकि बारीक होता है साग, लेकिन इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और मेरी मॉम की रेसिपी से हम इसको बनाएंगे। सो गाइस स्टे कनेक्टेड। आज आपको मैं अपनी मम्मा की साग की रेसिपी दिखाऊंगी और इस रेसिपी में आप लोगों को पता चलेगा कि साग को कैसे हमारी एक बाजी है जो अभी बर्तन धो रही है और मुझे कह रही है जिदो मैं आनी है तो तू कैमरा लेके आ जानी है, तो अभी किसी और का काम करने गई हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं हम तो कैमरा लाएंगे क्योंकि हमने साग पकाना है ना। उन्होंने धो रहे जो तुम वे वे पत्ते मैं कट्टे सी कहने लग रहे हैं इनको, इन धोना क्यों जरूरी होंगे? रेत लगी होंगी है, पहले क्यों नहीं पत्ते धोते? अच्छा पालक भी डलती है इसमें, सब चीजें अलग अलग डलती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है एक साग 100 बीमार क्यों करता है, मतलब इतने सारी चीजें क्यों डलती है अंदर, और इसको धोते इसलिए क्योंकि इसके अंदर रेत होती है और रेत की काफी कीटाणु होते हैं। जी मेरा तरीका नहीं है, मुझे तो बताया उसने। किसने? उसने, मेरी मेड ने। आपकी मेड ने बताया, ये देखिए डाले लहसुन डाले थोड़ा सा और प्याज डाल दे। प्याज डालते हैं उसमें? फर्स्ट टाइम देखने लगी है मम्मा, लेकिन प्याज डालते नहीं है वैसे। आपने आपने कभी बड़ा मजे का बनता है प्याज लहसुन डाले तो मजे का बनता है। हाँ। वो कैसे मजे का बनता है? तुसी बनाया? मेरी मॉम जो है ना आपने ये देखे, ये देखे। अच्छा अभी ये सब इसके अंदर डाल दे। हाँ। As it is डाल दूँ? ऊपर ढकन होता है। चले मैं ही डालती हूँ जरा। तो आप लोगों को बताया था मेरी मामा ने और उनको उनकी मेड ने ये तरीका बताया कि इसमें प्याज भी डालते हैं। वैसे आज तक कभी इन्होंने साग में डाला नहीं है, लेकिन काट के उन्होंने मुझे दे दिया, उन्होंने कहा सिर्फ तुम डालो। मैं सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ जी। बहुत सारी मामा ये नहीं निकालते मिर्च का? हाँ निकालते हैं। तो ये निकाला क्यों नहीं है? ये मामा ने उससे कटवाई है और उसने जो है ना वो इसको काटा नहीं है, सो इसलिए मैं क्रॉस चेक करती हूँ। जैसे पेपर होते हैं ना क्वेश्चन पेपर, या पहले टीचर चेक करती है उसके बाद रीचेकिंग होती है उसकी, इस तरह इकरा कवल डिशेस की रीचेकिंग करती है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये हो सिर्फ प्याज मेरी मॉम ने काटे हैं, बाकी काम थोड़ा अधूरा हुआ है, वो मैंने कर दिया है पूरा। अब क्या करना है इस पे प्लेट में? एक चम्मच नमक। एक चम्मच नमक, ओके। एक पूरा करके पहाड़ बना के कि प्लेन काम ही करते थोड़ा। चलो ओके, एक चम्मच इसमें होगा नमक और फिर इसको अब हमने ढक देना। अब इसको हमने देना है ढक। ढकने के बाद आती ये देखें, ये असल रूप रंग निकला इसका। अभी इसने ग्रैंड होना है और मेरी मम्मा जो है ना वो कम से कम भी 2 दिनों में इसको बनाती है। पता है मैं थक के सो के उठ के भी आ गई हूँ और अब मुझे आके पता चला जनाब के जो ये वाला साग है आपको सुबह नाश्ते में मिलेगा, क्योंकि इसको गलना होता है, फिर इसको ग्राइंड करना है, फिर इसको ग्राइंड करने के बाद इसको तड़का लगना है। तो वो अभी तो सबने डिनर विनर भी कर लिया है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। मैं तो इतना मुंह बना के आई थी कि मैं साग खाऊंगा, लेकिन मेरी मॉम ने कहा सुबह नाश्ते में चले। मैं आपको सुबह नाश्ते का सीन भी दिखाऊंगी, मैंने जो कल उठ के नाश्ता करना है कल बताऊंगी। तो सुबह सुबह मेरी थी एक मीटिंग, तो मैं जल्दी उठ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में और आपको दिखाना है कि क्या मेरी मम्मा ने साग प्रिपेयर कर लिया है। मम्मा साग आपने कहा था सुबह दूंगी, तो कहाँ है? हो गया, पैन में रखा हुआ। मैं अब आपको साग की शक्ल दिखाती हूँ, थोड़ी सी रेसिपी मैं मम्मा से पूछ के बताती हूँ उन्होंने इसमें किया क्या क्या था। मेरी मम्मा जो है ना वो बनाने लगी है पराठा। मम्मा देसी घी का बनाना,
मेरे पास हम लोग जो देसी घी इस्तेमाल करते हैं ना, वो चिल्टन प्योर का देसी काऊ घी, और ये इतना मजेदार गिरना जाए बस मेरे ऊपर, ये इतना जबरदस्त है, अभी ये साग के ऊपर भी लगेगा और इसी का बना हुआ पराठा खाऊंगी मैं, मजा आने वाला है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जरा मजे का। सबसे मजे की बात है कि ऑर्गेनिक है, कोई मिलावट नहीं होती है इसमें, और हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं चिल्टन प्योर का। और मैं तो देसी घी वैसे भी खा जाती हूँ, बड़ा मजे का लगता है, बंदा मोटा हो या ना हो खाना चाहिए, हमें पता नहीं कहते कौन कहता है देसी घी से बंदा मोटा होता है, देसी घी से बंदा हेल्दी होता है। अच्छा जी, मेरा पराठा बन रहा है और मैं आपको ना इसके ऊपर अब घी लगा के दिखाऊंगी। फटा हुआ पराठा है, ये देखो ऐसे घी लगाते हैं। अच्छा ये सही रिवायत है ऊपर रखने वाली, ये मेरी मामा की रिवायत है। और ये रिवायत इसीलिए है कि मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ओके डालो डालो, खेलो खेलो, मुझे अब ये पता है क्या, इससे और मजा आएगा। गरम गरम पराठा, वो तो मिक्स हो गया था, अब ये ज्यादा मजा आएगा। ओके अब मैं खाने लगी हूँ, सारा घी खा लेना, आज इकरा नहीं था, मैं खा के बताऊंगी कि कैसा बना। वैसे मैं थोड़ा एक नवाला खा के बता दूँ, वो एक्शन दिखाना, रियल रिएक्शन निकाल, मुझे कहे तो मैं ऐसे खा लूँ। चीच, मैंने तो नाश्ता कर लिया है और इस लड़की का मेकअप शुरू हो गया क्योंकि हमारा अगला दिन शुरू हो गया। अगला दिन है, मैंने वीडियो बना ली है। और क्या करती हो तुम? एक गाना आ जाएगा। अब हम बनाएंगे तो इसी जॉलाइन दिखाना जरा तुम्हारे लड्डू जॉलाइन। ओए लुक एट, अभी इसको बनाने का मैं तरीका बताती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा आता है। चल बनाओ फिर। देखा हाँ जी, क्या ये ब्राउन शेड है, ठीक है, इसको अच्छा तो ये करती हो तुम, जिसके बाद तुम पिक्चर्स बनाती हो। मेरी तो देखो मैंने इधर कुछ भी नहीं लगाया, मैं जरा सा करती हूं, तो एक शार्पनिंग है, मेकअप का एक रूल है, मतलब ये नहीं कि इसके मतलब अगर मेकअप में भी रूल होते हैं तो मतलब मैं उन लड़कियों के लिए कह रही हूँ जो कहती है कि यार हमें भी आइडिया पता, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, वैसे तुम आशी हो लोग खुद ही अपने आप को कह रहे हैं, वैसे तो माशाल्लाह मैं बहुत पतली हूँ, मतलब दिख रहा है सबको कितनी पतली हो, देखा माशाल्लाह है ना। अब देखो जो उधर मुंह करके दिखाओ ना थोड़ा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, कैसे कैसे उस ज्वेलन इज शार्प बिकॉज यू आर एल्डर देन मी, तो एल्डर्स की मेरी एज में बच्चों को मोटा होना होता है क्योंकि ये तुम कहां से, अभी मैं अंडर 18 हूँ समझ लो, अभी लोग कहेंगे कि अब अंडर 18 है झूठ बोल रही, लेकिन मुझे तो मैं तो लगती हूँ मैं, अब क्या कर सकती हूँ, अब चोरी किया हुआ है सारा मेकअप, चोरी हो गया तुम्हारा, ये भी मेरी है, अल्लाह माफ करे। तो ये तुम्हारी अलमारी नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल मेकअप उसमें रखती हूँ, ये ज़ैनब के हाथ, ये इसके कारखाने में होता है इसका मेकअप, ये देखें आप, ये अब जैनम ने देखा, देखेगी ना व्लॉग तो उसको पता चल जाएगा। जैनम मानो सुने, आप ये व्लॉग देखोगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो अलमारी में से मेकअप गायब हो रहा है ना, वो सारा इसके डिब्बे में गया है, ठीक है। कमाल कर दे हो तुसी, की मतलब कमाल ही कर गए हो, सारा मेकअप ये मम्मा के काम है, सारे इसके देती है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मेकअप का सिंपल सा फंडामेंटल रूल है, तिब्बत क्रीम लगाओ, तिब्बत अब नहीं आती है, तिब्बत लोगों को समझ आ रही है कि मैं किस तिब्बत की बात करूँ, तिब्बत क्रीम होती है और उसके बाद जो होती है ना वो एक 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 लिपस्टिक होती है रेड से कलर की, उसको ऐसे उंगली पे करो और ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, एंड दैट्स इट। और अगर आपके पास सुरमा है तो आप आंखों में सुरमा लगा लेते हो, वो ऐसे वाली आंखें बना, छोटी लगती है, बड़ी लगती है, वैसे बड़ी हो जाती है, मतलब बचपन में हमें सुरमा डाला जाता है कि बच्चे की आंखें बड़ी हो, मेरी माँ ने मेरी आंखों में रगड़ रगड़ के सुरमा डाला था, मेरी आंखें बड़ी हो गई। हाँ क्या कह रही हो मम्मा, आप सारा मेकअप पकड़ के जैनब को में रख देती हैं, ये भी देखे हुए कवर मेरा इधर क्या कर रहा है, सुनेंगे आपका कमरा नहीं है, आपका सिर्फ एक ये डब्बा ही है, लेकिन मुझे होता है कि मेरी चीजें मेरे अंकल अलग हो, इसी खाने में हो, बस छोटा सा घर है, मैं अपनी दुनिया बसाई हुई है। Oh my God. अब सही है ना, और ये परफ्यूम किसका, बस ये बता दो मुझे,
ये आप लेकर आई थी बट ये फिर मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे पास नहीं था कोई। तो लेके कौन है, किसका? ये इधर पकड़ा यार। नहीं ये मेरा ही। मैं भी कहूँ कि मेरे कमरे मोमेंट जो भी मुझे इसकी अच्छी लगी थी तो फिर ये मेरा ही है। चलो मुझे लगा दो, मैंने भी मीटिंग पे निकल जाना और उसके बाद खलास, उसके बाद ये व्लॉग भी खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। कौन सा? अच्छा खत्म हो जाएगा ये। अल्लाह का पक्का वादा, इसकी लेवल है ये। इसकी खुशबू चली गई तो मेरा नाम बदल देना। चलो ध्यान से बालों पे ना लगाई। कोई लोगों से हाथ मिलाओ तो आपसे भी अपनी वैसे से हर जगह लगा। देखा कितनी तेज ये ना वो है, बोल दे। एक्चुअली ना ये मेन है तो बड़ी बात है। अजबा अजबा ये भी अच्छा। मेरे ना मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है, कलेक्शन होनी चाहिए सारी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कलेक्शन इसकी क्या है। गुड वाइब ये है एज अ मिस्ट। माय बॉडी मिस्ट अच्छे लगते हैं मुझे। ओहो बहुत ज्यादा परफ्यूम है लेकिन मैं शो नहीं करवाती होती ना। आए हाय गंदे डलावा सफाई करने वाली। हाँ जी ये जब साफ करेगी फिर आपको दिखाएगी। तो इंशाल्लाह मेरे बाप से मुलाकात होगी अगले किसी ब्लॉग में। अपना बड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो साग की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगले दिन पर शिफ्ट होना भी आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।